एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो आज की टॉपिक मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट उतनी ही है जितनी आप लोग के लिए है। 2019 राइट, मेरी बेटी हितिका फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुई थी ग्लूटेन एलर्जी से। उस टाइम इंडिया की बात करूँ तो बहुत मीन्स ऐसे ये डिजीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बट अब काफ़ी हद तक लोग जानने लगे हैं इस डिजीज़ के बारे में, जिसे सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। ये बस एक तरह का डिजीज़ नाम दिया गया है, बट आप इसे बीमारी ना समझे, बस ये एक तरह की एलर्जी है। आई एम ए मदर ऑफ 5 ईयर डॉटर। एज अ बींग मॉम, इट्स वेरी 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 चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो। हितिका को ग्लूटन फ्री डाइट में क्या क्या दे? फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वर्ड सुना, ग्लूटन फ्री डाइट, ये होता क्या है? ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, अपनी स्टोरी मैंने सुनाई है कि कब से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, कैसे मुझे पता चला। ऊपर आपको आई बटन में, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगी, और साथ ही साथ ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है कि सीलिएक डिजीज़ होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी प्रिकॉशन क्या होती है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ी सी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलेगी टाइम पे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ग्लूटन क्या होती है। ऐसा क्या है कि ग्लूटन फ्री डाइट अलग है और ग्लूटन फूड अलग है? ग्लूटन एक तरह का प्रोटीन होता है जो फूड में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से आप आटा राइट व्हीट फ्लावर को आप जब गूंथते हो, डो बनाते हो, तो देखोगे उसमें एक चिपचिपापन रहेगा, एक लचीलापन रहेगा। वही चीज़ जब आप चावल के आटे को, मीन्स राइस फ्लोर को जब आप आटा गूंदो या फिर उसे डो बनाओ, तो आप देखोगे बहुत जल्दी वो ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि चावल के आटे में वो ग्लूटन जो प्रोटीन होती है वो नहीं पाई जाती है, और व्हीट फ्लावर जो गेहूँ मैदा ये सब में आप देखोगे एक लचीलापन, एक बाइंडिंग होता है, तो वो चीज़ उसमें बस होती है, ग्लूटन होती है। बस यही अंतर है ग्लूटन फ्री डाइट में और ग्लूटन फूड में। जो भी ग्लूटन फ्री फूड आपकी होंगी उसमें ग्लूटन को स्किप कर दिया जाता है, जो लचीला, जो प्रोटीन जो उसमें होता है, जो बाइंडिंग चीज़ होती है, उसे हटा दिया जाता है, वही आपकी ग्लूटन फ्री फूड हो। जब फर्स्ट टाइम मुझे जब पता चला कि हितिका को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, काफ़ी उसे लूज मोशन होते थे, तो मैं काफ़ी शॉक होती थी कि आखिर उसे क्या क्या फूड दी जाए। 2019 मैंने आपको बताया, स्टिल अब आ गए हैं 2022, तब से स्टिल शी इज ऑन ग्लूटेन फ्री डाइट, और अभी भी मैं उससे ग्लूटेन फ्री डाइट पे ही मैं रख के मैं काफ़ी वैरायटी की चीज़ें मैं उसे खिलाती हूँ। फर्स्ट टाइम में मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसे दूँ क्या, बस ये पता था कि खिचड़ी बना दो, सब्जी दे सकती हूँ, और क्या चीज़ दे सकती हूँ मैं। हर एक चीज़ पे एक डाउट बना रहता था, लिस्ट तो मिल जाती थी डॉक्टर से कि ये चीज़ आपको नहीं देनी है, बट देनी क्या है वो भी एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता था। सो धीरे धीरे टाइम बीतता गया, गूगल सर्च किया, कुछ यूट्यूब पे पहले मैंने देखा, बट आज एक सेल्फ एक्सपीरियंस्ड मॉम हूँ मैं, जो मुझे अच्छे से पता है कि क्या चीज़ देनी है और क्या चीज़ नहीं देनी है, उसी चीज़ें से क्या क्या अलग अलग फूड बनाया जा सकता है जो आपके बच्चे भी अच्छे से खा सके और साथ ही साथ वो एक हेल्दी भी रहे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लूटेन फ्री फूड चार्ट कह लो या फिर आप लिस्ट कह लो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बस आपको लिस्ट बताती चली जाऊँगी कौन कौन से फूड आप दे सकते हो, बट अगर आपको कुछ रेसिपी चाहिए होगी कि आपके बच्चे के लिए आप कुछ मुझे रेसिपी बताओ, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स करो कि मुझे कुछ रेसिपी बताओ, सो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। ऑल नॉन वेज फूड लाइक फिश, एग, प्रॉन, चिकन, सभी ग्लूटेन फ्री होते हैं। सभी वेजिटेबल्स, सभी फ्रूट्स भी ग्लूटेन फ्री होते हैं। क्वेना और मूसली, इससे भी आप काफी रेसिपी बना सकते हैं, ये काफी हेल्दी होता है। नेक्स्ट आती है योगर्ट, कर्ड, पनीर, टोफू, ये सभी ग्लूटेन फ्री है।
साबूदाना, साबूदाना की खीर, खिचड़ी भी आप बना सकते हो, नूडल्स, पास्ता, आप कॉर्न और राइस की आप खा सकते हो। मल्टीग्रेन दलिया और ज्वार दलिया इजली आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। मल्टीग्रेन ब्रेड, ग्लूटन फ्री ब्रेड भी आपको अमेजोन पे इजली मिल जाएंगी। डोसा फ्लावर, ये घर में ही आप बना सकते हो, काफ़ी हेल्दी रहता है। रागी भी आप ऐड कर सकते हो आटे के साथ, रागी की खीर, लड्डू भी बना सकते हो। कोको और जेली, चॉकलेट जिस भी चीज़ में होगी वो ग्लूटन फ्री होगी, आप खा गाइस, सकते ये हो। तो बेसिक सी फूड लिस्ट थी जो मैंने आपको बताया, टोटली ग्लूटन फ्री है। आप इजली अपने बच्चे को और जो अडल्ट है आप ले सकते हो। बट कुछ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम जानते हैं कि वो ग्लूटन फ्री ही है, बट स्टिल वो होते नहीं एग्जैक्टली। बहुत रिसर्च के बाद काफ़ी चीज़ें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल हींग, राइट, हींग में भी ग्लूटन होती है। जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो पीछे साफ लिखा रहता है व्हीट फ्लावर, टमेटो सॉस, उसमें भी कुछ कुछ सॉस में भी ग्लूटन पाई जाती है। तो काफ़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, काफ़ी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जब भी कुछ वैसे डाउट लगे, चाहे आप पैक्ड फूड आप मार्केट से ले रहे हो, तो प्लीज़ आप पीछे पलट के एक बार इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेकआउट करो। थोड़ी सी भी डाउट लग रही है कि उस चीज़ को खाने के बाद आपको मोशन या फिर गैस बनना या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप स्टॉप करो। कभी-कभी आप देखोगे कि इंग्रेडिएंट्स में आपको व्हीट फ्लावर या कुछ भी वैसी चीज़ें ग्लूटन की नहीं मिल रही है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके नीचे भी लिखा रहता है कि सोया, नट्स और व्हीट में भी ट्रेसेस, शायद उसके अंश उसमें हो सकती है, क्योंकि जहां पे ये पैकेजिंग होती है शायद हो सकती है कि उस हाथों से या उस चीजों से शायद उसमें मिक्स हो गया हो, तो वो बस ट्रेस कर लिया जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो चीज अपने बच्चे को दे के देखते हैं, अगर सूट कर जाती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट थोड़ी सी सतर्क आपको रहना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट रहती थी, हर एक चीज़ों को मैं देख के, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, फिर मैं हितिका को मैं देती थी वो चीज़ें। बाय गॉड ग्रेस सभी चीज़ अच्छी रही। तो ये कुछ लिस्ट हैं जो आपको हेल्प मिलेगी फर्स्ट टाइम अगर आप डायग्नोज हुए हो या आपके बच्चे डायग्नोज हुए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अदर क्वेरी अगर आपकी हो सीलिएक डिजीज से रिलेटेड या फिर ग्लूटन एलर्जी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।